तो कौन सी है वो छठी चीज जिसे अपने घर के बेडरूम में लगाने से ना सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि आपकी मैरिड लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे प्यार भी बढ़ेगा और पैसा भी। देखिए, कहते हैं कि जब आंखों को सुकून मिलता है तो मस्तिष्क अपने आप शांत हो जाता है, इसीलिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए मन बेचैन रहता है, हरियाली भरी जगहों पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जाने से आँखों को सुकून मिलता है, आँखों को राहत मिलती है, जिससे मन प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो ये काया जो है अपने आप ठीक हो जाती है, ये शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर परेशानियों के कारण तनाव बढ़ रहा है जीवन में, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका बुरा असर आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी मैरिज लाइफ पर, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है, तो भैया बेडरूम में मयूर माने मोर, हंस, बत्तख, तोता, हिरन जैसे अच्छे जो हिंसक नहीं हैं, अहिंसक पशु हैं, पंछी हैं, उनकी मूर्तियों का आपको जोड़ा रखना चाहिए। ये चीज़ें आपको फेंगशुई की दुकान पर मिल जाएंगी। इन मूर्तियों को बेडरूम में कहाँ और किस तरीके से रखना है, जैसे मोर, हंस, बत्तख, तोता या हिरन की मूर्तियों का जोड़ा बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। बेडरूम में रखी मूर्तियों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। एक छोटे से टेबल पर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर ये चीज़ें आप रखें तो आपके बेडरूम की शोभा ही नहीं बढ़ेगी बल्कि आपके बेडरूम में एक अजब गजब का शांति और पीसफुल माहौल भी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।